कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि पुराने सामानों को इकट्ठा करता था, और जहाँ से वो सामान लाता था वो जगह भी बहुत डरावनी थी। बेसमेंट में एक छोटा सा घर था जो कि उसी लड़के का था। लड़के के पास ज्यादा सामान टर्बो राइडर के थे, इसलिए वो उसका बहुत बड़ा फैन भी था। जो सामान लड़का इकट्ठा करता था वो उसे बेचने भी जाता था। उसका सामान एक बागू नाम का बंदा लेता था। बागू ऐसे पुराने सामान ही लेता था और उसके बदले कुछ जरूरत का सामान देता था। लड़का अपना सामान बदल कर घर वापस आ रहा था, तभी वो फ्रेडरिक नाम के बंदे से टकराया। फ्रेडरिक ने उसे समझाया और जाने दिया। तभी फ्रेडरिक के पास एक बंदा आया। उसने कहा कि तुम्हारे भाई को ज्यूस ने किडनैप कर लिया है। ज्यूस वहाँ का बहुत बड़ा बदमाश था जो बंदों के किडनैप करके उन्हें मार डालता था तथा उनके मांस से पानी निकाल लेता, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। अगले दिन लड़का ट्रोवो राइडर की बुक पढ़ रहा था, तभी कहीं से एक एप्पल नाम की लड़की आ गई, जिसे देखकर वो डर गया। एप्पल ने उस लड़के से दोस्ती के लिए पूछा, लेकिन लड़का डरकर वहाँ से भाग आया, क्योंकि एप्पल कई साल पुरानी लाश से बात कर रही थी। एप्पल ने लड़के की कलाई में एक रिबन डाल दिया था जो कि निकल ही नहीं रहा था। अगले सीन में फ्रेडरिक को दिखाया जाता है जो अपने भाई को बचाने आया था, लेकिन उसके सामने उसके सभी साथियों को मार दिया और उसको किडनैप कर लिया गया। अगले दिन की सुबह हुई और लड़के की आंख जैसे ही खुली उसने एप्पल को अपने सामने पाया, जो कि उसने रिबन की वजह से लड़के को ढूंढ लिया था। तभी एप्पल और उस लड़के की दोस्ती हो जाती है। लड़का एप्पल को बताता है कि वो पुराने सामानों को ढूंढने जाता है। लड़की ये जानकर बहुत खुश होती है और लड़के के साथ सामान ढूंढने जाती है। तभी फ्रेडरिक को दिखाया जाता है जिससे ज्यूस अपना पंजा लड़ा रहा था। पंजा लड़ाते लड़ाते वो फ्रेडरिक का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ एप्पल और लड़का सामान ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई देख रहा था जो कि ज्यूस का ही एक बंदा था। तभी ज्यूस का बंदा वहाँ आ जाता है और एप्पल को जाल में बंद कर लेता है। ये देखकर लड़का डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो जमीन में एक प्लेन के अंदर गिर जाता है जो कि एक टर्बो राइडर का प्लेन था। वहाँ से लड़के को टर्बो राइडर का एक सूट मिल जाता है जो कि नॉर्मल सूट नहीं था, वो सूट फायर भी कर सकता था। सूट को पहनकर लड़का एप्पल को ढूंढने निकल जाता है और रास्ते में उसे ज्यूस का बंदा मिल जाता है। लड़का उसको एक टर्बो राइडर का पंच मारता है और ज्यूस का बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। लड़का एप्पल को ढूंढते हुए ज्यूस के ठिकाने तक आ जाता है और उसे एप्पल को वापस करने के लिए कहता है, लेकिन ज्यूस उसे भी बंदी बना लेता है। लड़का पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा से रिचार्ज हो रहा था। तभी फ्रेडरिक उन्हें समझाता है कि हमें लड़कर यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ ज्यूस के बंदों से लड़ाई होने लगती है। वे लड़ाई जीतने ही वाले थे, तभी ज्यूस एप्पल को गोली मार देता है। इतने में ही लड़के का पंच भी चार्ज हो गया और उसने वहाँ दो बंदों को मार दिया। ज्यूस ये देखकर डर गया और वहाँ से उनको भागने दिया। लड़का जब एप्पल को लगी गोली को देखता है तो उसे पता चला कि एप्पल कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है, लेकिन एप्पल एक अच्छी रोबोट थी इसीलिए लड़के ने उसे नहीं छोड़ा। तभी एप्पल अचानक से ऑफ हो जाती है और अपने आप ही ऑन हो जाती है। एप्पल बताती है कि वे गोली लगने से उसके हर्ट कम हो रहे हैं और वो जल्दी ही हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगी। तभी रास्ते में लड़के को बागू मिलता है जो कि अपना सामान बांधकर वहां से भाग रहा था। लड़का बागू से पुराने रोबोट की जगह पूछता है और एप्पल को लेकर वहां चला जाता है। तभी एप्पल दोबारा से ऑफ हो जाती है। इधर बागू को ज्यूस के बंदे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी रात का समय दिखाया जाता है जिसमें लड़का एप्पल के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसे एप्पल से प्यार होने लगा था, लेकिन एप्पल तो एक रोबोट थी, वो उसकी फीलिंग को कैसे समझती। तभी बागू को दिखाया जाता है जो कि ज्यूस की कैद में था। ज्यूस बागू से एप्पल उस लड़के का पता पूछता है। बागू डर के मारे सब बता देता है। बाद में ज्यूस बागू को भी मार देता है। इधर ज्यूस के बंदे उस लड़के तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे पहले ही एप्पल और वो लड़का वहां से भाग जाते हैं। ज्यूस के बंदे दोनों को पीछा करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। ज्यूस के कुछ बंदों को तो लड़का अपने पंच से मार देता है, लेकिन एक बंदा एप्पल की गर्दन अलग कर देता है, जिसे पकड़ने के लिए लड़का नीचे जंगल में गिर जाता है और उसकी गर्दन को किसी एक रोबोट के ऊपर रखकर टेप मार देता है और ऐसा करते ही बेहोश हो जाता है। तभी लड़के का बचपन दिखाया जाता है जिसमें लड़के के माता पिता को ज्यूस ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था तथा लड़का वहां से भाग गया था और अभी तक बचा हुआ था। अगले दिन को जैसे ही लड़के की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ फ्रेडरिक था जो कि लोहे के हाथ से ज्यूस से बदला लेने आया था। इधर एप्पल को भी होश आ जाता है। ज्यूस के साथ तो कई सारे बंदे थे, लेकिन इधर दो ही लोग थे और लड़के के पास उसका पंच भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़ने लगते हैं। फ्रेडरिक अकेला ही चार बंदों से लड़ रहा था और लड़का भी कई बंदों को खत्म कर चुका था। तभी ज्यूस के साथ वाली लड़की लड़के को मारने लगती है और उसे अपने पैरों के नीचे दबा लेती है। इतने में ही पीछे से एप्पल आ जाती है और उस लड़की का पेट फाड़ देती है और लड़के को उसका पंच भी दे देती है जो कि वहां गिर गया था।
तभी पीछे से ज्यूस एप्पल को गोली मार देता है और साथ के सभी साथियों को एक एक करके गोली मारने लगता है। एप्पल के गोली लगते ही लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपने पंच को ज्यूस पर मारता है। ज्यूस नीचे गिर जाता है। लड़का ज्यूस के सारे साथियों को एक एक करके मार देता है और एप्पल भी होश में आ जाती है। एप्पल के होश में आते ही लड़का बहुत खुश होता है और एप्पल को किस करने लगता है, लेकिन ज्यूस अभी मरा नहीं था। वो दोबारा से लड़के के सामने आता है। लड़के को पता चलता है कि ज्यूस भी एप्पल की तरह एक रोबोट है जो कि आसानी से मरने वाला नहीं है। तभी ज्यूस अपनी शक्ति लड़के पर मारने लगता है जिससे लड़का तड़पने लगता है, लेकिन चालाकी से गैस का सिलेंडर ज्यूस की तरफ फेंक देता है तथा उसमें पंच मार देता है जिससे बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और ज्यूस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी एप्पल अचानक से ऑफ हो जाती है। लड़का एप्पल को ऑफ होते देख रोने लगता है क्योंकि अब एप्पल दोबारा से जगने वाली नहीं थी। वो एप्पल को वहीं पर दफना देता है और यहीं पर स्टोरी का एंड कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करके जाना और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।